और अब समाचारों में आगे बढ़ते हैं, चित्रकूट की बात करते हैं। चित्रकूट में केंद्रीय श्रम और रोजगार और पर्यावरण वन जलवायु परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भ्रमण कर जिले में सरकार की चलाई गई जन कल्याणकारी विभिन्न परियोजनाओं का विश्लेषण किया है। भूपेंद्र यादव ने इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के संबंध में पार्टी पदाधिकारियों, अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों और सभी सामाजिक वर्गों के साथ संवाद किया है। उन्होंने बताया कि जिले में भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जल जीवन मिशन, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कार्यक्रमों में संतोषजनक प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गरीब कल्याण की विभिन्न योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाया गया है। यही कारण है कि आकांक्षी जिलों में चित्रकूट की जो पायदान रही है उससे चित्रकूट ऊपर आया है। मैंने प्रधानमंत्री जी के निर्देश में देश के सभी मंत्रियों का आकांक्षी जिलों में सरकार की योजनाओं का परीक्षण, सभी सामाजिक वर्गों के साथ संवाद और उसके साथ ही साथ जमीनी स्तर तक योजनाओं पर जाने के विषयों का एक अवलोकन करने के लिए कार्यक्रम हुआ है। 24 घंटे के इस कार्यक्रम के अंतर्गत पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के साथ संवाद, जमीनी स्तर पर जाकर विश्लेषण करना, विभिन्न एनजीओ के साथ मुलाकात, जनप्रतिनिधि और पंचायत समिति के लोगों के साथ मुलाकात करते हुए आकांक्षी जिलों में भारत सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न परियोजनाओं का विश्लेषण और उसको आगे बढ़ाने के संबंध में यहाँ के एयरपोर्ट के विकास, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के विकास, उसके साथ प्रधानमंत्री जी के गरीब कल्याण कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं की बहुत संतोषजनक प्रगति हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाया गया है वो यहाँ पर नीचे जमीन पर उतरता हुआ दिख रहा है। और यही कारण है कि आकांक्षी जिलों में जो पायदान चित्रकूट जिले की थी उससे ये जिला ऊपर बढ़ा है।